फीफा में गाइस यदि आपका भी नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप फीफा के अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं, जैसे कि देख लो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो FF देखो गाइस लोडिंग शो कर रहा है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर लोडिंग होने के बाद में मेरा यहाँ पर फीफा का जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन नहीं होता है, नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम देख लो गाइस यहाँ पर शो कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे गाइस इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं यदि गाइस आपके भी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फीफा के अकाउंट में। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बेसिकली आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे गाइस इसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं यदि आपका भी ये सोल्यूशन नहीं हो पाए। बेसिकली आप देख लो गाइस, क्योंकि आज एक ईद है, ईद का त्यौहार है, और गाइस ईद के त्यौहार होने के कारण यहाँ पर देखो ज़्यादा यहाँ पर हॉलीडे होने के कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सर्वर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब भी गाइस कोई भी अकाउंट लॉगिन करता है तो गाइस ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, लोडिंग प्रॉब्लम। और इसका गाइस सोल्यूशन देखो अभी नहीं है, बेसिकली ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, फिर से गाइस यहाँ पर आ जाता है। 1 घंटे पहले गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन क्या देखो मैं आपको सीधा ही कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम देखो ऑटोमेटिक फिक्स होगी। कोई भी सेटिंग कर लो, कैसे भी सेटिंग कर लो, ये यहाँ पर नहीं होगी सोल्व, ये ऑटोमेटिक जब भी होगी ना गाइस ऑटोमेटिक ही ठीक होगी। सभी के यहाँ पर फ्री फायर के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मैं देखो यार ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको यहां पर ये सेटिंग करनी है, ये सेटिंग करनी है, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा, क्योंकि यार मुझे पता है कि ये सेटिंग यहां पर नहीं होगी, सेटिंग से ये ऑटोमेटिक सर्वर प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिक ही फिक्स यहां पर होती है। तो बेसिकली उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में ही मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में वीडियो बना के दे दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।